लेबनान का हिजबुल्ला इसराइल के लिए अस्तित्व का खतरा बन चुका है। गाजा युद्ध के बाद से हिजबुल्ला तेल अवीव पर इतना हावी हो जाएगा, ये खुद इसराइल ने नहीं सोचा था। पिछले कई महीनों में हिजबुल्ला की सैन्य ताकत में चौतरफा इजाफा हुआ है और यही वजह है कि वो लगातार उत्तरी इसराइल पर बेतहाशा हमले कर रहा है। वहीं इजरायली सेना दो मोर्चों पर हालात काबू करने में पूरी तरह से नाकाम रही। गाजा में जहां हमास दोबारा से अपने पैर पसार रहा है, वहीं उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला अपने हमलों से आईडीएफ को दहला रखा है। अब हिजबुल्ला ने आईडीएफ के ऊपर दो बहुत बड़े हमले किए हैं। एक हमला अल बयादा में आधी रात को करीब 1 बजे हुआ, जिसमें हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों पर जमकर बमबारी की। वहीं दूसरा हमला अल मलकिया साइट पर हुआ। यहां हिजबुल्ला ने आईडीएफ के ऊपर भारी गोला बारूद दागा। इसके अलावा मैदजुआ सेटलमेंट पर भी हिजबुल्ला ने रॉकेटों का एक जत्था फायर किया। दोपहर में करीब 1:20 पर हिजबुल्ला ने एन याकोव सेटलमेंट पर कई रॉकेट फायर किए और इसके बाद अल अब्बाद मिलिट्री साइट पर हिजबुल्ला ने ताबड़तोड़ गोला बारूद फायर किया। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने शीबा फार्म्स में जेबडीन और अल रमाथा साइट पर कई राउंड रॉकेट फायर किया है और इससे ठीक 1 घंटा बाद हिजबुल्ला ने अबू दजाज हाइट्स पर भी एक बड़े रॉकेट हमले का दावा किया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने बेरिया बैरक्स पर नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख एयर डिफेंस मिसाइल बेस पर हमला किया है। हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसने यहां पर आईडीएफ के ऊपर कत्यूशा रॉकेट्स का एक जत्था दाग दिया। वहीं इजरायली मीडिया ने खबर दी है कि सफाद में कई धमाके सुने गए हैं और जिस इलाके में ये धमाके हुए वहां पर 50,000 सेटलर्स रहते हैं, जो अब सुरक्षित शेल्टर ढूंढ रहे हैं। इजरायली मीडिया का ये भी कहना है कि सफाद में हुए धमाकों की वजह से आग लग गई। वहीं दूसरी तरफ इस हमले का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि लेबनान की तरफ से रात के अंधेरे में कई रॉकेट्स फायर हो रहे हैं और इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट कर रहा है। आपको बता दें कि इस अटैक से पहले आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के अल नकोरा में एक ड्रोन स्ट्राइक की थी, जिसमें लेबनान के 2 लड़ाके मारे गए थे। ये दोनों ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी आईडीएफ का एक ड्रोन इनके ऊपर आकर फट गया